जिला निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निगम भिलाई क्षेत्र के सेक्टर 2 फुटबॉल ग्राउंड में फ्रेंडली मैच का आयोजन किया गया, जिसके तहत मैच देखने आए आम जनमानस एवं शासन प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों ने शत प्रतिशत मतदान करने शपथ ली। जिला निर्वाचन आयोग के स्वीप कार्यक्रम के तहत शत प्रतिशत मतदान को लेकर विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं और आम जनमानस को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में सेक्टर 2 भिलाई स्थित फुटबॉल मैदान में फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिक निगम भिलाई की टीम सहित नागरिक 11, जिला प्रशासन 11 और BMY चरोदा 11 के मध्य फ्रेंडली फुटबॉल मैच खेला गया। यह फुटबॉल मैच देखने के लिए आम नागरिकों की भीड़ देखने को मिली। तीनों रोमांचक मुकाबले में सभी टीमों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और मैच के अंत में शासन प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों सहित आम जनमानस ने भी 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान करने एवं अपने साथ अन्य लोगों को भी मतदान के लिए जागरूक करने का संकल्प लिया। मतदाता जागरूकता अभियान लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए विभिन्न चरणों में चलाया जा रहा है। नगर पालिक निगम भिलाई और जिला प्रशासन के सहयोग से सेक्टर 2 फुटबॉल मैदान पे फ्रेंडली फुटबॉल मैच एक दिवसीय खेला गया, जिसमें सभी लोग BMY चरोदा, नगर निगम भिलाई अधिकारी 11, जिला प्रशासन अधिकारी 11 और वहाँ के जो बच्चे हैं नागरिक 11 की तरफ से मैच खेला गया। बहुत सद्भावनापूर्ण मैच था और ज़बरदस्त मैच था। खासकर जिला प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं, IG, SP, हमारे कमिश्नर साहब, दुर्ग निगम, भिलाई निगम और जिला पंचायत के CEO सर, इन्होंने जिस ढंग से खेल का प्रदर्शन वहाँ किया, ऐसा लग रहा था कि सदैव खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं और ज़बरदस्त मैच रहा, जिसकी चर्चा शहर में है। मैच का उद्देश्य ये था कि लोगों को 7 मई को होने वाले आम चुनाव, जो लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए 7 मई को जो तिथि निर्धारित की गई मतदान दिवस, तो एक सम मतदान के नाम के उद्देश्य को लेके इस मैच को करवाया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने हेतु जिला प्रशासन एवं नगर पालिक निगम भिलाई संयुक्त रूप से प्रयास कर रहा है। देखना होगा कि इस बार लोकसभा चुनाव में शासन प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों से मतदान का प्रतिशत कितना बढ़ पाता है। ACN न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।